प्रकृति है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है खारा समुद्र। एक गांव में दो भाई रहते थे, एक अमीर तो दूसरा गरीब। दिवाली आई, सारे खुशियां मना रहे थे, पर छोटे भाई के पास कुछ खाने लायक वो था नहीं। वो बड़े भाई के पास मदद मांगने गया। बड़े भाई ने उसको धुतकार कर बहरन वापस भेज दिया। बेचारा उदास लौट रहा था कि रास्ते में उसको एक बूढ़ा दिखाई है। उसने बूढ़े ने बोला, क्या बात है बेटे, बहुत उदास, दिवाली पर तो कुछ होना चाहिए। तो छोटा बोला, काहे की दिवाली ताऊ, मेरे भाई ने भी मेरी मदद नहीं की, मेरा परिवार भूखों मर रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। तो बूढ़े ने बोला, यदि तुम मेरी मदद करो, इन लकड़ियों के गट्ठर को मेरे घर पहुंचा दो, जो मैं तुम्हें दूंगा तुम उससे अमीर हो जाओगे। तो छोटा लकड़ियों के गट्ठर को उसके घर चला गया। बूढ़े ने उसको एक मालपुआ दिया और बोला, जंगल में जाना, तुम्हें तीन पेड़ दिखेंगे, वहां पर एक चट्टान होगी, वहां पर तीन बोने रहते हैं, उनको मालपुआ बहुत पसंद है, किसी भी कीमत पर इसको छोड़ेंगे नहीं। तुम उससे धन नहीं मांगना, बल्कि क्या ना, मुझे बस अपनी पत्थर की चक्की दे दो। तो छोटा वहां पर पहुंच गया। तो उसके हाथ में मालपुआ देखकर एक बौना बोला, तुम ये मुझे दे दो, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। तो छोटा बोला, मुझे बस अपनी पत्थर की चक्की दे दो। तो छोटा जैसे चलने लगा, बोना बोला, तुम इसे मामूली चक्की ना समझना, इसे घुमाने पर तुम जो चाहोगे इसमें से निकलता रहेगा, इच्छा पूरी होने पर इस पे लाल रंग का कपड़ा डाल देना, सम्मान बनना बंद हो जाएगा। तो छोटा घर पहुंच गया। पत्नी और बच्चे भूखे थे, तो उसने कहा, यहाँ पर एक कपड़ा बिछाओ। कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर किनारे रखकर उसने चक्की को चलाया और बोला, चक्की चक्की चावल निकाल। बस फिर क्या होना था, ढेरों चावल निकलते रहे। तो उसने लगाकर ढककर फिर उसने चक्की को हटाया और फिर बोला, चक्की चक्की दाल निकाल। बस फिर क्या होना था, ढेरों दाल निकलती रहे। और उसने लगाकर कपड़ा ढककर सबने अपना पेट भरा, उन्होंने सबकी चैन की नींद ली। बचे हुए चावल और दिनों में अपने भाई से भी ज्यादा अमीर हो गया। उसको जो चाहे प्राप्त होता रहता था, कभी नमक, कभी मसाले, कभी दूध, कपास, जो चाहे उसे प्राप्त होता रहता था। तो बड़ा भाई उसकी खुशहाली से जलने लगा। जन्म दिनों पहले तो ये भूखों मर रहा था, अब इसके हाथ क्या लगा, उम्मीद से भी ज्यादा धनी हो गया। तो एक रात वो छोटे घर में छुप गया, सारा आगे उसके बैल खुल गया। तो छोटा बाजार सामान बेचने गया था, तो छोटा भाई चक्की चुरा कर ले गया। बसने के इरादे से वो घर से चल पड़ा। उसने नाव खरीदी, सब भी उसमें बैठ गए। तो वो टापू और चलने लगे। तो उसकी पत्नी हैरान थी, ये सारा घर छोड़कर हमें लेकर कहाँ जा रहा है। तो उसने पत्नी की एक जिज्ञासा शांत करने को उसने चक्की को घुमाया और चक्की को बोला, चक्की चक्की नमक निकाल। बस फिर क्या होना था, ढेरों नमक निकलते रहे और नमक का पानी ढेर में लगना शुरू हो गया। नाव डूबने लगी, सभी समुद्र में डूब गए हैं। कहते हैं अभी भी चक्की घूम रही है, तभी तो समुद्र का पानी खारा है। शिक्षा, लालच बुरी बला है। थैंक यू। अब है नहीं ना, हेलो गाइस, मुझे ना ये मेडल मिला था जब मेरे पोयम। थैंक यू।